फैंटेसी में आज अपन बात करेंगे डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस पार्ले रॉयल्स के बीच होने वाले साउथ अफ्रीका T20 लीग के मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे में एका ग्रे लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर, जिससे कि अपन लाहौर पे विन कर सकते हैं। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और जानेंगे इस वेन्यू पे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न रहता है, पेसर को ज्यादा विकेट मिलेंगे इस पर, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा ग्रैंडली के लिए बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर। दोस्तों आज के मैच में काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको कम दिखेगा, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभा सकते हैं, और बहुत से ऐसे हाई परसेंट प्लेयर जिनके आज के मैच में फ्लॉप होने के चांस बन रहे हैं। किस प्रकार से आपको उनको ड्रॉप करना है, उनकी जगह लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर किस प्रकार से आपको अपनी टीम में रखना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन सात चीजें आपको बताई जाएंगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा किंग्स में डरबन, डरबन के इस मैदान पे। देखो जो रिसेंट में मैच हुए, डरबन सुपर जायंट्स 159/9-7, उसके बाद सनराइजर्स की टीम स्कोर को चेंज कर जाती है। 5 विकेट पेसर को मिलते हैं, 5 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। डरबन सुपर जायंट्स 145/8, जिसको जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम चेंज नहीं कर पा रही है। 12 विकेट पेसर को मिले, स्पिनर को मिले 5 विकेट। MI केप टाउन 207/5, जिसको डरबन सुपर जायंट्स की टीम चेंज नहीं कर पाती है। 9 विकेट पेसर को मिले, 2 विकेट मिले थे स्पिनर को। देखो अब 3 मैच इस वेन्यू पे हो चुके हैं, तो आप इस मैच में आप देख सकते हो कि आपको स्पिनर्स के विकेट थोड़े से बढ़ते हुए नजर भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार देखो दोनों मैचों में अच्छे विकेट मिले हैं सीजन स्पिनर्स को, तो काफी अहम रोल आपके लिए निभा सकता है स्पिनर। बाकी पेसर बैटर्स भी आपको रखने होंगे, और बैट फर्स्ट टीम को थोड़ा बहुत एडवांटेज जा सकता है। यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल मैच हुए, ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर को चेंज किया था, 190 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। 8 विकेट पेसर निकाले, 4 विकेट निकाले थे स्पिनर। साउथ अफ्रीका 164/8, जिसको ऑस्ट्रेलिया की टीम चेंज कर रही है। 9 विकेट पेसर को, 1 विकेट मिले स्पिनर, यानी कि यहाँ पे चेंजिंग की थी ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मैचों में, और दोनों मैचों में सफल चेंजिंग रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो अच्छे स्कोरिंग पिच है डरबन का मैदान, यहाँ पे अच्छे रन भी बनेंगे, प्लस पेसर को भी विकेट मिलेंगे, स्पिनर को भी मिलेंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको बिठाकर अपनी टीम में चलना होगा। किस प्रकार से ये प्लेयर्स आपको लेने होंगे सब कुछ बताया जाएगा आपको। अब देख लेते हैं लास्ट जो इनका मैच हुआ है, वह डरबन सुपर जायंट 190 बनाई थी 3 विकेट के नुकसान पर, जिसको पार्ले रॉयल्स की टीम चेंज नहीं कर पाती, 133 पे ऑल आउट हो जाती। डिकॉक आए थे कैप्टन, ठीक है, उधर से बटलर, हेनरी क्लासन, वियान मल्डर, बिरचके, जे स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, केशव माधवन, स्टोपले, नूर अहमद और बी फॉर्चून, भाई 2 ही प्लेयर आए थे लास्ट गेम में पार्ले रॉयल्स के, बाकी 9 प्लेयर इनके आए गए थे, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हीं के आए थे। देखो इस मैच में भी देखो आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर हर बार मिलेंगे इस मैच में, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ मल्डर आया था शायद फील्डिंग से, ठीक है, मल्डर ने बैटिंग बॉलिंग से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, कैच खूब आए थे मल्डर के पास, तो अच्छे पॉइंट देता है, कैचिंग की पोजीशन अच्छी है इसकी, तो बहुत कैच आते हैं इसके बाद, फिर से आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग भी अच्छी करता है, ठीक है। अब किस प्रकार से आपको टीमें लेनी है, यहाँ देखो आप डरबन सुपर जायंट्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली, बिरचके के साथ ओपनिंग करेंगे टीडे जॉर्जी, उसके बाद क्विंटन डिकॉक, चेस स्मिथ, हेनरी क्लासन, मार्कस स्टोइनिस, वियान मल्डर, केशव महाराज, नूर अहमद, निस्टोपले और नवीन उल्लक आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा चेंज ये हो सकता है कि टीम ड्वेन पिटोरियस को खिला सकती है, बाकी इनकी ठीक चल रही है बॉलिंग, लास्ट मैच भी काफ़ी अच्छा रहा इनके अगेंस्ट, तो सारी टीम चेंज ना करना चाहे। यहाँ देखो आप बिरचके को, बाकी जो भी चेंज होगा मैच रिलेटेड, जो भी अपडेट रहने वाले सब मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पर, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर करें। साथ में मेगा जीएल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। बिरचके को देखो भाई 39, 43, 33, 35, 48 लास्ट गेम में रन 12 ही बनाया था, एक आध कैच आ गई थी, ड्रीम टीम का मेमोरी बन गया था। तो भाई अच्छी बैटिंग करता है, छोटी सही लेकिन हर बार इसकी अच्छी पारी आती है, ड्रीम टीम का मेंबर बनता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर से आपके लिए हो सकता है, हार्ड हिटर बैटर। टेडी जॉर्जी 28/119 नॉट आउट, 81/28 लास्ट गेम में 10 रन बनाए, प्लेयर अच्छा है, हालांकि दोनों मैचों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है जिससे कि ड्रीम टीम का मेंबर बने, लेकिन प्लेयर शानदार है, भारतीय टीम के अगेंस्ट बहुत ही शानदार इसने बैटिंग करके दिखाई थी, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। क्विंटन डिकॉक लास्ट मैच में नंबर 4 पे आए थे, ये बता दूं आपको, जे स्मिथ ऊपर आए थे। यहाँ देखो आप डिकॉक को 5, 23, 2, 25, 7, 0 इतने बड़े रन नहीं बना रहे, लास्ट गेम में शानदार 23 रन नोट आउट की इसने पारी खेली थी मिडिल ऑर्डर में आकर, भाई कमाल की बैटिंग की थी डिकॉक ने, तो फिर से ट्राई कर सकते हो आप, अच्छा प्लेयर है और फॉर्म दिखाई है लास्ट गेम में, तो डिकॉक जब फॉर्म में आता है ना, आपको पता है आपने वर्ल्ड कप भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा, जब फॉर्म में आता है तो फिर रेगुलर रन बनाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। जिसमें 75/9, 6/1, 27/9, 26/0 लास्ट गेम में 52 रन बनाए, प्लस 1 विकेट भी निकाला था, और वाइस कैप्टन रहा था, तो भाई दोनों CVC यहीं से आए थे,
काफी इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए फिर से रहने वाले। हेनरी क्लासन की बात करते हैं, 85-13, 64-1, 31-6 और लास्ट गेम में 30 नॉट आउट। भाई हमेशा अच्छा खेल रहा है, बहुत ही शानदार बैटिंग रही है हेनरी क्लासन की। हालांकि बीच में एक आध बार फ्लॉप भी हुआ है, तो आप रिस्क भी ट्राई कर सकते हो, बाकी अच्छा प्लेयर है। स्टोइनिस को देखो, 48 प्लेयर, उसके बाद 13 रन, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। भाई विकेटों की झड़ी सी लगा दी है स्टोइनिस ने इन साउथ अफ्रीकन पिचों पे। जिससे पहले बिग बैश में इसको विकेट बिल्कुल भी नहीं मिले थे इस सीजन, ठीक है। यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी स्लोअर डाल रहा है, तो फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। वियान मल्डर की बात करते हैं तो बैटिंग काफी नीचे आती है, बाकी 1 विकेट, 0 1 विकेट, 5, 0, 12, 38 लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन केवल फील्डिंग से ये ड्रीम टीम का मेंबर बन गया। भाई ये है कि इनके पास जो भी चीज़ शॉर्ट पड़ेगी, बैटिंग शॉर्ट पड़ेगी तो मल्डर, अगर जल्दी आउट हो गया तो मल्डर काम आएगा आपके, ठीक है। बाकी बॉलिंग में किसी बॉलर्स की पिटाई हुई तो फिर ये मल्डर के पास बॉलिंग के लिए जा सकते हैं, भाई कम चांस है। केशव महाराज को देखो भाई, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 25, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, हमेशा विकेट मिले हैं, हमेशा विकेट लेता है। आपको एक भी बार लास्ट कुछ के ओवर में विकेटलेस नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, फिर से इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा। नूर अहमद की बात करते हैं, 3 विकेट, 1 विकेट, 0-0-0, 3 विकेट, 1। भाई लास्ट गेम में मेडन ओवर प्लस विकेट फेंका था इसने, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है, फॉर्म में आ चुका है, अच्छे विकेट निकालेगा फिर से। सिलेक्शन अभी भी आपको कम दिखेगा, लेकिन नूर अहमद आपके लिए बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। यहाँ रिस्ट टॉपले को देखो भाई, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0, 2 विकेट, हो सकता है टॉपले फिर से अच्छे विकेट निकाल जाए, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। हालांकि बीच में 2 मैच इसके इतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन उससे पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नवीन उलग बॉल फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 विकेट, 0, 4 विकेट, 0, 2 विकेट और लास्ट गेम में 1 विकेट। यहाँ से कोई खेलेगा नहीं। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड। क्विंटन डिकॉक को देखो भाई, 3 मैच खेला है, 140 रन बनाए, वेन्यू पे 9 मैच में 253 रन, तो ठीक प्लेयर है। बिर्थे के 1 मैच में 12 है, वेन्यू पे 4 मैच में 135 रन इसने भी बनाए, तो ट्राई कर सकते हो। दोनों ही बहुत ही शानदार प्लेयर है, हालांकि ओपन क्विंटन डिकॉक शायद नहीं करेगा, फिर से आपको मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ नजर आए। जे स्मिथ को देखो आप, 2 मैच में 117 रन, 2 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 140 रन प्लस 1 विकेट। भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी रहती है इसके पास, अच्छी बैटिंग करता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। हेनरी क्लासन को देखो, 3 मैच में 136 रन बनाए अगेंस्ट, तो अच्छा खेलता है। वेन्यू पे भी 2 मैच में 304 रन, तो भाई दोनों जगह हेनरी क्लासन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है, तगड़ी बैटिंग करता है, ठीक है। वियान मल्डर 2 मैच में 71 रन प्लस 1 विकेट है, और वेन्यू पे 7 मैच में 133 रन प्लस 3 विकेट है। तो मल्डर का जो जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है मल्डर का, तो भाई ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों इसको बहुत ही कम मिलती है, ठीक है। लास्ट गेम में तो कैच आ गए थे। स्टोइनिस को देखो आप, 1 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट है। केशव महाराज 3 मैच में 3 विकेट निकाला है अगेंस्ट, और वेन्यू में भी 14 मैच में 15 विकेट है। टोपले 3 मैच में 6 विकेट, तो भाई टोपले ने डबल विकेट निकाले हैं अगेंस्ट, बाकी वेन्यू में 7 मैच में 9 विकेट है टोपले के, तो ट्राई कर लेना इस टोपले। बात करते हैं पार्ले रॉयल्स की, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। भाई बटलर के साथ ओपनिंग करेगा रॉय, उसके बाद वियान लुबे, डेविड मिलर, एम वैन बुरे, एफ लुकायो, फेबियन एलन, बी फॉर्चून, लुंगी एनगिडी, तब्रेज शमसी और ओबेद मेकोय आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जे टैनर को टीम खिला सकती है, एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर के साथ टीम जा सकती है, किसी एक ऑलराउंडर इनमें से ये टीम कम कर सकती है। हालांकि इनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो ऑलराउंडर को कम करना भी इनके लिए रिस्की रहेगा। बटलर को देखो भाई, 14, 39, 70, 46, 54, 22 और 45, भाई सभी मैचों में रन लगे इस बार बटलर के, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए फिर से रहने वाला है, क्योंकि विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट देता है। रॉय को देखो, 23, 5, 5, उसके बाद 38, 68 की अच्छी पारी, उसके बाद फिर ब्लॉक। तो भाई रॉय का मैंने आपको पहले बोला था, आराम से रिस्क ले सकते हो ऐसे प्लेयर पर, हाँ चलेगा जरूर, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो वो परफॉर्मेंस नहीं रही है रॉय की, जो रेगुलर अच्छा खेले, ठीक है। यहाँ 2 मैच अच्छे खेल गया, फिर 2 मैच एकदम से खराब खेल गया, तो रॉय पे आप रिस्क भी ले सकते हो, अपनी टीम में रखकर भी चल सकते हो। वियान लुबे 70, 11, 1 विकेट, 12, 39 प्लस 0, 1, 57, 2 प्लस 0, भाई बीच बीच में इसकी भी अच्छी पारी आती है, बीच में डिप पारी भी आती है, तो दोनों एक ही टाइप के प्लेयर है, दोनों को आप साथ रखना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मिलर को देखो आप, 10, 41, 75, 2 नॉट आउट, 20 और 3। मिलर का स्टार्टिंग के मैचों में अच्छा फॉर्म था, ठीक है, यहाँ नॉट आउट रहा, लास्ट के 2 गेम आप डिप मान सकते हो, 1 मैच में रिटायर्ड हो गया, ये भी आप नॉट आउट ही मानो। यहाँ पे इसने केवल 3 रन, लास्ट गेम थोड़ा खराब खेला है, लेकिन मिलर अच्छा प्लेयर है भाई, स्पिन को भी अच्छे से खेलता है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। माइकल वैन बुरेन 87 नॉट आउट, 28 72, 8 नॉट आउट, 28 8, 7 11, तो भाई देख सकते हो इसका स्कोरिंग पैटर्न ठीक ठाक से रन बनते हैं इसके वेट से, ठीक है, लेकिन लास्ट कुछ गेम अच्छे रहे नहीं है। लुकायो
28 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 एक विकेट, 1 विकेट लास्ट गेम में विकेट लेस रहा है। फ्लुकाया को देखो एक आध विकेट मिल सकती है, थोड़े बहुत रन करके दे सकता है। फेबियन एलन को देखो भाई 5 रन, बॉलिंग नहीं मिली, 0-4, 0-0, 17 रन, 1 विकेट, एक मैच में चलाया अभी तक सीजन, बाकी कोई परफॉर्मेंस रही नहीं है। बॉलिंग टीम ने ज़्यादा दी नहीं है, ठीक है, कई बार बॉलिंग किए बिना ही रह गया, ठीक है, बैटिंग कई बार आती नहीं है, तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है फेबियन एलन को, ठीक है। बी फॉर्चून को देखो भाई 3 विकेट 3 विकेट, उसके बाद 0-1, 0-0, 3 विकेट 0-1 विकेट, भाई बीच बीच में अच्छे विकेट निकालता है, इनके अगेंस्ट हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, आगे बताऊंगा मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड में, ठीक है। लुंगे एनगिडी 1 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 0-2 विकेट 1 विकेट, लुंगे एनगिडी ने अच्छे विकेट निकाले इस सीजन, खास करके बॉल फर्स्ट में अच्छे विकेट आए थे इसके 4 विकेट और 3 विकेट, सेकंड में इसने अच्छा इस सीजन रहा नहीं है। तबरेज़ शम्सी 1 विकेट 0, 1 विकेट 2 विकेट, 2 विकेट लास्ट दोनों गेम से विकेटलेस जा रहा है तबरेज़ शम्सी, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है, विकेट इसको मिल सकते हैं, बॉलिंग अच्छी डाल रहे हैं, हालांकि विकेट लास्ट गेम में नहीं मिला था। ओबेद मैकोई की बात करें 1 विकेट 2 विकेट 0, 2 विकेट 0, 1 विकेट, तो भाई इसकी भी लास्ट में जो खूब पिटाई हुई थी, ठीक है, लेकिन ट्राई कर सकते हो बॉल फर्स्ट में, अच्छा प्लेयर बन सकता है क्योंकि कई बार अच्छे स्लो डालता है उस पर इसको विकेट मिल जाती है। जे टर्नर को अगर मौका मिलता है तो देख लेना भाई 3 विकेट 0, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज, अच्छा प्लेयर है। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की और वेन्यू रिकॉर्ड की, रोवाई 3 मैच में 48 रन है, वेन्यू में 3 मैच में 95 रन है, ट्राई कर सकते हो, फ्लॉप भी जाता है, थोड़े बहुत रन भी कर जाता है। बटलर 3 मैच में 82, वेन्यू पे 1 मैच में 2 रन पे आउट हुआ, तो ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं जज करने लायक कि वेन्यू पे चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, बाकी अच्छा प्लेयर है, फॉर्म में है तो आपको लेना ही है। मिलर 3 मैच में 32 है, वेन्यू पे 7 मैच में 160 रन है, कई बार नॉट आउट भी रह जाता है मिलर, लास्ट में बैटिंग आती है थोड़ी सी कई बार। वेयन लुबे 3 मैच में 77 रन है, वेन्यू पे 3 मैच में 132 रन, वेयन लुबे को ट्राई कर लेना, अच्छा प्लेयर है। फिर फॉर्चून को देखो 3 मैच में 4 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट, 3 मैच में 4 विकेट है, अगेंस्ट अच्छा करता है। लुंगे एनगिडी 3 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट निकाले, एनगिडी ने खास करके बॉल फर्स्ट में फिर से आपको 2-3 विकेट निकालता हुआ नजर आ गया था। तबरेज़ शम्सी ने 2 मैच में 1 विकेट लिया अगेंस्ट, वेन्यू पे भी ज़्यादा मैच खेले नहीं, यहाँ देखो फ्लुका 1 मैच में 18 रन प्लस 0, वेन्यू पे 2 मैच में 5 रन प्लस 4 विकेट। मेगा ग्रैंड लीग के लिए जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में हो सकते हैं, भाई सिलेक्शन इन प्लेयर का हमेशा कम रहता है, लेकिन हर बार ड्रीम टीम में ये आते हैं, आपको पता है, आप देखते हो ड्रीम टीम भी हर मैच की, इनके बिना आपका जीएल और मिनी जीएल में फर्स्ट आना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि हर मैच में ऐसे प्लेयर आपको दिखेंगे, चाहे कोई भी प्लेयर फ्लॉप हो, इनकी जगह हमेशा फिक्स रहती है लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर वालों की, ठीक है। अब कौन से प्लेयर है, किस प्रकार से आपको चूज करना चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन किस प्रकार से रखना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। ओबेद मैकॉय बी फॉर्चून तबरेज़ शम्सी पिटो सॉरी पार्ले रॉयल्स की तरफ से, नवीन उलक, नूर अहमद, टी डे जॉर्जी डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से। लास्ट गेम में भी आपको बताया इन प्लेयर में से नूर अहमद बी फॉर्चून ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो आज के मैच में किस प्रकार से आपको प्लेयर लेने, देखो अगर पार्ले रॉयल्स की टीम पहले बॉलिंग करते हैं तो ओबेद मैकॉय को आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड में बी फॉर्चून तबरेज़ शम्सी दोनों के साथ जा सकते हो, चाहो तो इनमें से एक प्लेयर को आप फिक्स करके अपनी टीम में चल सकते हो, क्योंकि एक स्पिनर इनमें से अच्छे विकेट निकाल सकता है, ठीक है। नवीन उलक बॉल फर्स्ट का अच्छा गेंदबाज है, सेकंड में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बाकी नूर अहमद दोनों कंडीशन के लिए अच्छा प्लेयर है। टी डे जॉर्जी को ट्राई कर लेना भाई जीएल में, हो सकता है इस मैच में बड़ी पारी इसकी आ जाए, ज्यादा बड़ी भी नहीं तो 30-40 रन की पारी खेल सकता है टी डे जॉर्जी, ठीक है। यहाँ से आपको 3 प्लेयर मिलने के हाई चांस लग रहे हैं आज के मैच में, ठीक है, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज वाले बता दिए मैंने कंडीशन आपको, ट्राई किस प्रकार करोगे टीमों में, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे रखना है, यहाँ देखो भाई हेनरिक क्लासन बटलर को मैंने लिया है, हेनरिक क्लासन बटलर और क्विंटन डिकॉक को लिया है। मिलर बिटचके टी डे जॉर्जी आप भाई यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जेसन रॉय को, स्टोइनिस स्मिथ, स्टोइनिस फ्लुपायो और जेजे स्मिथ को मैंने यहाँ पे लिया है। लुंगे एनगिडी बी फॉर्चून टॉपली महाराज नूर अहमद, लुंगे एनगिडी टॉपली बी फॉर्चून और नूर अहमद को मैंने, नूर अहमद को मैंने दोनों में लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो, अगर डरबन सुपर जायंट्स की टीम पहले खेले तो आप फिर से इस पर दाव खेल सकते हो जे स्मिथ पे, ठीक है। वीसी के लिए फिर आप नूर अहमद को ट्राई कर सकते हो या फिर मार्कस स्टोइनिस अच्छा ऑप्शन है। बैटिंग में आपके लिए क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासन अच्छे पिक हो सकते हैं। इनकी बात करें तो बटलर अच्छा पिक है कैप्टनसी का, वाइस कैप्टन के लिए आप मिलर को ट्राई कर सकते हो या फिर बॉलर में तबरेज़ शम्सी बी फॉर्चून या लुंगी एनगिडी से आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।